वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस, आप देख रहे हैं दिव्रुष प्रॉपर्टी व्लॉग। गाइस एक बार फिर आ गया हूँ आप सभी लोगों के लिए नोएडा एक्सटेंशन के अंदर बहुत ही अमेजिंग वीडियो दिखाने के लिए। सो आज की जो भी वीडियो होने वाली है एक हाई राइज प्रोजेक्ट पर होने वाली है जिसका नाम है एपेक्स ऑरा, सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर ये लोकेटेड है। एपेक्स ग्रुप पहले ही बहुत सारे प्रोजेक्ट नोएडा एक्सटेंशन में और दिल्ली NCR की जगह जगह लोकेशन पर डिलीवर कर चुके हैं। सो काफ़ी नेम्ड बिल्डर है, प्रोजेक्ट डिलीवरी के मामले में भी काफ़ी अच्छी डिलीवरी इन्होंने ऑलरेडी पहले दी हुई है। सो आज हम बात करेंगे एपेक्स ऑरा के बारे में। सो ये 9 एकड़ में पूरी सोसाइटी है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन सोसाइटी है। सो गाइस अगर मैं बात करता हूँ सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी आपकी पूरी 9 एकड़ में सोसाइटी बनी हुई है जिसमें कि आपको 2 BHK और 3 BHK प्लस 3 BHK प्लस सर्वेंट के भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 1560 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस सर्वेंट का ऑप्शन, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके का फ्लैट का लेआउट दिया गया है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। सो गाइज अब थोड़ा सा लोकेशन के बारे में बताना चाहूँगा। लोकेशन बहुत प्राइम है, सेंट्रल नोएडा से नज़दीक की लोकेशन है। अगर मैं बात करता हूँ अगर आप सेंट्रल नोएडा की तरफ से आ रहे हैं तो आपको FNG फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद में हिंडन ब्रिज आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो आपको ATS गोल चक्कर मिलेगा। वहाँ से हार्डली 200 से 300 मीटर के डिस्टेंस पर आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप गौर चौक की तरफ से आ रहे हैं तो गौर चौक से आपको पंचमुखी हनुमान मंदिर वाले गोल चक्कर पर आना है, जहाँ से आप जैसी राइट लेंगे तो हार्डली आधा किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको ये लोकेशन देखने को मिलेगी। सो चारों ही तरफ से कनेक्टिविटी इसकी अच्छी रहने वाली है। अभी जो नियरेस्ट कनेक्टेड मेट्रो स्टेशन है वो सेक्टर 78 का है जो कि हार्डली यहाँ से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, सारी फेमस लोकल मार्केट, सारी चीज़ें आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर मिल जाती हैं। सो गाइस वीडियो में चलते हैं आगे। मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 BHK प्लस 7 का एक यूनिट जिसमें कि आपको सारी डायमेंशन क्लियर करूंगा। 1560 स्क्वायर फीट का ये यूनिट रहने वाला है और मैं आपको सारे प्राइसिंग एंड एवरीथिंग सब कुछ इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरीके का लेआउट यहाँ पर दिया गया है। तो गाइज अभी हम टावर के अंदर पहुंच चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, यहां पर एक फ्लोर पर आपको 8 यूनिट देखने को मिलेंगे। यहां पर हमारा लिफ्ट एरिया आ जाता है, यहां पर 3 लिफ्ट का प्रोविजन आपको दिया गया है, 2 स्टेयर्स आपको यहां पर प्रोवाइड की गई हैं। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर वो सारी स्टैंडर्ड अमेनिटीज़ आपको मिलेंगी जो कि एक सोसाइटी में होती हैं, लाइक क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं यहाँ पर। सो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं यूनिट के अंदर किस तरीके का लेआउट दिया गया है और क्या क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो गाइस अभी हम एंटर कर रहे हैं हमारे फ्लैट के अंदर। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये 3 BHK प्लस 7 फ्लैट है 1560 स्क्वायर फीट का। सो इस साइड आपको सर्वेंट क्वार्टर विद अटैच वॉशरूम मिलने वाला है। सो अभी हम एंटर कर चुके हैं हमारे फ्लैट के अंदर। जैसे ही हमने एंटर किया है तो हमारा एक गेस्ट बेडरूम मिल जाता है हमें। सो काफ़ी स्पेशियस ये बेडरूम रहने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए किस तरीके का साइज यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं बेडरूम का। साथ में आपको कबर्ड का स्पेस यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आपको एक अटैच वॉशरूम मिलने वाला है, साथ ही में एक बालकनी मिलने वाली है। सो काफी अच्छा स्पेस दिया गया है। जिस स्टेज में अभी आप ये फ्लैट देख रहे हैं एज इट इज मिलने वाला है आपको। तो गाइस जैसे हमने फ्लैट के अंदर एंटर किया है ये स्पेशियस लिविंग एंड डाइनिंग एरिया आ जाता है हमारा। काफ़ी स्पेशियस है, आप 8 से 10 सीटर सोफा आराम से यहाँ प्लेस कर सकते हैं और साथ ही में आपको वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बालकनी दी गई है। ये भी हमारी अच्छे खासा साइज यहाँ पर दिया गया है। सो इस बालकनी के अंदर आपको प्रॉपर सनलाइट और एयर का एडवांटेज यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर इवनिंग में आप बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो आइए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ आगे की तरफ। सो गाइस अभी हम एंटर कर रहे हैं हमारे किचन के अंदर। डायमेंशंस आप हमेशा की तरह स्क्रीन पर देखते रहिए। ये हमारा किचन मिल जाता है आपको, यहाँ पर आपको काउंटर टॉप बनाकर दिया जा रहा है, साथ में यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का स्पेस दिया जा रहा है। आपको सिंक इधर की साइड लगा कर दी जाएगी, टैप फिटिंग्स वगैरह सारे पॉइंट्स अभी दिए हुए हैं। जब आपको ये फ्लैट डिलीवर किया जाएगा सारी चीज़ें होकर मिलेंगी। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ ऊपर नीचे के कैबिनेट्स आपको खुद से बनवाने पड़ेंगे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। किचन के साथ में आपको ये यूटिलिटी बालकनी मिल जाती है, काफ़ी स्पेशियस बालकनी है ये भी। सो यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं अपनी और जैसे आपका यूजेज है अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं इसे।
सो गाइज अब हम एंटर कर रहे हैं हमारे सेकंड बेडरूम के अंदर। इसके साथ आपको अटैच्ड बालकनी मिल जाती है, साथ में कबर्ड का स्पेस मिल जाता है, डिसेंट स्पेस दिया गया है बेडरूम के अंदर। यहाँ पर आप कबर्ड अपने हिसाब से बनवा सकते हैं। सो गाइज आइए मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम होने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। इस पूरे फ्लैट के अंदर 3 वॉशरूम आपको देखने को मिलेंगे, एक कॉमन, 2 अटैच। सो आपका ये हमारा कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जहां पर आपको सैनिटरी फिटमेंट जैसा आप अभी देख रहे हैं वैसे मिलने वाले हैं। आइए अब हम एंट्री कर चुके हैं हमारे स्पेशियस मास्टर बेडरूम में, जहां पर आपको स्पेशियस वॉशरूम मिलने वाला है जो कि अटैच वॉशरूम है। साथ में एक बालकनी मिलेगी, उसके अलावा यहां पर आपको कवर्ड का स्पेस दिया जा रहा है। सो स्टोरेज को ध्यान में रखते हुए यहां पर सभी बेडरूम्स के अंदर काफी अच्छा स्पेस प्रोवाइड किया गया है। सो गाइज उम्मीद करता हूँ फ्लैट देखकर आपको काफी पसंद आया होगा, काफी स्पेशियस फ्लैट है। 3 BHK फ्लैट विद 3 टॉयलेट आपको मिल रहा है, सर्वेंट क्वार्टर आपको अलग से मिल रहा है इसके अंदर। ये बहुत ही अमेजिंग यूनिट आपको मैंने दिखाया है इसमें। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे प्राइसिंग के बारे में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इसका पोजीशन लगभग 2024 तक आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर प्राइसेस की, 2 BHK फ्लैट का यहाँ प्राइस स्टार्ट हो जाता है करीबन 40-45 लाख के अराउंड। 3 BHK की अगर मैं बात करूँ तो करीबन 55 लाख रुपये का आपको 3 BHK का प्राइस यहाँ पर मिलने वाला है। और जो यूनिट आपने इस वीडियो में देखा है उसका प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 70-75 लाख रुपीज़ के अंदर आपको यूनिट मिलने वाला है। सो बेसिकली ये जो रेंज मैंने आपको बताई है इसलिए है कि फ्लोर वाइज आपका थोड़ा बहुत कॉस्ट डेविएट करेगा तो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ही आने वाला है। 80% तक लोन आपको मिलने वाला है यहाँ पर। सारी फैसिलिटीज़ मैंने आपको बताई दी हैं, जो मैंने आपको बताई है सोसाइटी के फ्रंट में आपको कमर्शियल मिलने वाला है, जहाँ पर आपको डेली नीड्स की सारी चीज़ें मिलेंगी। वॉकिंग डिस्टेंस पर सारी अवेलेबिलिटी है। प्रोजेक्ट बहुत ही खास है, मुझे लगता है कि आपको एक बार विजिट करना चाहिए, क्योंकि सेंट्रल नोएडा से अगर आप इसे कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट वाइज काफ़ी अच्छा आपको ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर। अगर आप 2-3 किलोमीटर उधर जाएंगे सेंट्रल नोएडा की तरफ तो आपको यही साइज़ आपको करीबन 2 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। सो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स के साथ आपको ये यूनिट मिलने वाले हैं। सो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको ये फ्लैट पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी आइए यहाँ पर विजिट करके अपने सपनों का घर बुक करा सकते हैं, और जिस हिसाब से आपको यूनिट चाहिए फ्लोर प्रेफरेंस भी मिल जाएगी, सारी चीज़ें अभी आपके पास चांस है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में अपने मन पसंदीदा यूनिट पाने के लिए। सो आप जल्दी आइए विजिट कीजिए और यहाँ पर अपना घर बुक कराइए। इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक और नए प्रोजेक्ट के साथ।